हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गौरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव। ये महाराष्ट्र की रेसिपी है। ये मुंबई में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला स्ट्रीट फूड है। आज के वीडियो में देखेंगे कि मैंने दो टाइप की चटनी बनाई है जो वड़ा पाव के साथ सर्व किया जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम दो टाइप के चटनी बनाएंगे। सूखी लाल चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे पैन रखेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम 1/4 कप मूंगफली डाल लेंगे और डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम सेक लेंगे। देखिए 3 मिनट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसका छिलका हटा लेंगे। अब हम गैस पे पैन रख लेंगे। कद्दूकस किया हुआ 1/4 कप हम सूखा हुआ नारियल डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और 1 मिनट तक हम रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे और साइड में रख देंगे। सेम पैन में 10 से 12 छिलका के साथ लहसुन की कलियां डालेंगे। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। आप चाहे तो इसका छिलका भी हटा सकते हैं। देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक बोल में निकाल लेंगे। एक मिक्सर जार लेंगे। सबसे पहले हम नारियल को पीस के तैयार कर लेंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है। इसको हल्का सा दरदरा पीसना है। देखिए नारियल पीस के हो गया है। आप देख सकते हैं इतने ही हमें दरदरा पीसना है। अब हम एक बोल में निकाल के रख लेंगे और सेम मिक्सर जार में हम मूंगफली को डाल देंगे और इसी में लहसुन भी डाल देंगे। मैंने छिलका के साथ लहसुन पीस रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी एक बार बना के देखिए। देखिए पीस के हो गया है। हमें दरदरा इसको भी पीसना है। आप देख सकते हैं पीसा हुआ नारियल के पाउडर डाल देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप तीखा कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे। इससे अच्छा कलर आएगा। और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम बंद करके एक बार इसको चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए मिक्स हो गया है। अब हम एक बोल में निकाल के रख लेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वड़ा पाव की सूखी लाल चटनी बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे। 3 हरी मिर्च डालेंगे तोड़ के। 5 से 6 लहसुन। 1 इंच अदरक रफली कट किया हुआ। थोड़ा सा प्याज रफली कट किया हुआ। रफली कट किया हुआ टमाटर। 1/2 छोटा चम्मच जीरा। 2 बड़ा चम्मच पानी और इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पीसने के टाइम पानी की जरूरत पड़े तो आप थोड़ा डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली हूँ। आप देख सकते हैं कितना बारीक हुआ है। इतना ही हमें बारीक पीसना है। अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूखी लाल चटनी और हरी चटनी दोनों बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। वड़ा पाव बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे। 15 से 20 लहसुन की कलियां डालेंगे छीला हुआ। थोड़ा सा करी पत्ता। 4 हरी मिर्च इसको हम तोड़ लेंगे। आप तीखा कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। 2 इंच अदरक रफली कट किया हुआ
और इसको अच्छे से पीस लेंगे। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं ये पीस के तैयार हो गया है। बस ऐसे ही दरदरा सा हमें पीसना है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। मसाला को भूनने के लिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। आप जो तेल खाते हैं आप ले सकते हैं। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच राई। राई और जीरा चटकने लगा है। अब हम 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाए थे ना, अब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको 1 मिनट तक हम पका लेंगे। इसको डालते ही अदरक लहसुन का बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगता है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से 1 मिनट तक हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब इससे हम ज़्यादा नहीं भूजेंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे। मैंने 5 मीडियम साइज के उबला हुआ आलू को छिलका निकाल कर और अच्छी तरह से इसको मैश कर ली हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और गैस का फ्लेम मीडियम करके हमें 2 से 3 मिनट तक इसको भूजना है। मसाला को भूजते हुए 2 मिनट हो गया है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच पुदीना डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 से 3 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। मसाला को भूजते हुए टोटल 3 मिनट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। अब हमारा आलू मसाला बनके तैयार हो गया है। अब प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम बेसन के घोल बना लेंगे। उसके लिए हम 1 बड़ा सा बोल लेंगे और 1.5 कप हम बेसन डालेंगे। ये 200 ग्राम बेसन है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 2 चिटकी बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते हुए इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे और इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं होना चाहिए। अगर हम पतला घोल बना देंगे तो वड़ा के ऊपर अच्छा सा कोटिंग नहीं आएगा और उसका आलू दिखने लगेगा। इसीलिए हमें गाढ़ा घोल बनाना है ताकि वड़ा के ऊपर अच्छा सा कोटिंग आ जाए। आप देख सकते हैं इतना ही हमें गाढ़ा रखना है। अब इसको हम ढक के साइड में रख देंगे। आलू मसाला ठंडा हो गया है। अब इसमें मीडियम साइज के हम बॉल तोड़ लेंगे और इसको हथेली पर रख के इसको चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो ऐसा भी गोल शेप दे सकते हैं। फिर से हम बॉल तोड़ लेंगे और इसको हम चपटा शेप देंगे। हथेली पर रखे हुए हल्का सा दबा देंगे। इसी तरह हमें सारे बॉल को बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने बना के तैयार कर ली हूँ। मैंने थोड़ा सा लंबा वाला हरी मिर्च ली हूँ। इसको धो के और बीच से कट कर ली हूँ। इसको हम फ्राई करेंगे। ये वड़ा पाव के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। वड़ा तलने के लिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। इसमें रिफाइंड तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गरम करेंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब बेसन के घोल में आलू के बॉल डाल के उसको अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद हम कांटा वाला चम्मच पे रख लेंगे ताकि नीचे से जो एक्स्ट्रा बैटर है वो गल जाए। फिर हम गरम तेल में इसको किनारे की साइड डालेंगे ताकि हमारे ऊपर छींटे नहीं आए। वड़ा को डालते वक्त हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे। फिर से हम बेसन के घोल में एक बॉल डालेंगे और उसको अच्छे से कोट कर लेंगे।
कोट करने के बाद हम कांटा वाला चम्मच पे रख देंगे ताकि नीचे से स्टरर बैटर है वो निकल जाए। फिर हम तेल में डालेंगे। हाथ से डाल के दिखाती हूँ। अब एक आलू के बॉल लेंगे और अच्छे से बेसन के अंदर कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद हम तेल में किनारे की साइड डालेंगे, हम बीच में नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे हाथ भी जल सकते हैं और छींटे भी आ सकते हैं। इसी तरह हमें सारे बड़ा को डाल लेना है। डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। अब हम इसको पलट लेंगे, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है, नहीं तो जल सकता है। अब हम कलछी को साइड में कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल होएगा वो निकल जाएगा, तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे वड़ा को फ्राई करके रख लेंगे। मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च ली हूँ, इसको बीच से कट कर ली हूँ। अब इसको हम तेल में डाल देंगे। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो जाते ही तेल में फटने लगेगा, इसीलिए हमें ध्यान से कट लगाना है। मैंने थोड़ा सा मोटा वाला भी हरी मिर्च ली हूँ, इसको बेसन में कोट करके हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। लेकिन हर जगह वड़ा पाव के साथ मिर्ची सर्व किया जाता है। आप एक बार खाइए, जो भी खाएगा वो आपका तारीफ करते थकेगा नहीं और मुझे आप याद करते रहेंगे कि कोई मुझे ऐसा रेसिपी बताया है। अब हम मिर्ची को निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, उससे चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। आप देख सकते हैं बेसन वाला मिर्ची फ्राई हो गया है। अब हम इसको कलछी को साइड में रखेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल होएगा वो निकल जाएगा, तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में, जहाँ पे सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर ली हूँ। अब हम लेंगे लादी पाव और इसको चाकू से बीच से कट कर लेंगे। हमें एक साइड ज्वाइंट रखना है, आप चाहे तो हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं। अब हम एक साइड लगाएंगे ग्रीन चटनी। दूसरी तरफ एक चम्मच लाल चटनी रख देंगे और उसके ऊपर हम एक वड़ा रख देंगे और एक फ्राई किया हुआ हरी मिर्च रख देंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप हटा सकते हैं, जिसको पसंद है आप ऐसे ही दे सकते हैं। अब हम बेसन वाला भी मिर्ची रख देंगे और थोड़ा सा लाल वाला चटनी रख देंगे। ये लीजिए, मुंबई स्टाइल वड़ा पाव बनके तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और खाइए। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।